हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि वेरियस मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। और ये सारे प्रोटोकॉल्स बेसिकली आते हैं किसके अंदर, डेटा लिंक लेयर के अंदर। जो हमारा OSI मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो नीचे से सेकेंड लेयर है हमारे पास डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारे पास दो सब लेयर्स हैं। एक तो है LLC, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरी है हमारे पास MAC, दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो यहां पे हमारे पास जो LLC है वो लिंक को कंट्रोल करने के, मतलब अगर मेरे को डेटा भेजना है सेंडर से रिसीवर पे, तो वहां पे मेरे पास कैसे हमने फ्रेम्स को सिंक्रोनाइज करना है, कैसे हमने वहां पे एरर्स को डिटेक्ट करना है, एरर्स को वहां पे करेक्ट करने की कोशिश करनी है, या फिर कैसे हमने फ्लो को कंट्रोल करना है, डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं यहां पे LLC। और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एरर कंट्रोल हम कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की, जो कि आता है मैक के अंदर। यहां पे हमारे पास मीडियम एक्सेस भी बोल सकते हो इसको, या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो। इसका फंडा क्या है, बेसिकली जो हमारे लिंक होते हैं, जो डिफरेंट स्टेशंस हैं, लेट्स टॉक अबाउट अ लैन, अगर एक लैन है और उस लैन के अंदर डिफरेंट स्टेशंस अगर आपस में कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड कैसे हो सकते हैं, जो भी लिंक के साथ वो कनेक्टेड है वो लिंक बेसिकली दो टाइप का होता है, या तो पॉइंट टू पॉइंट मैश टोपोलॉजी की तरह, जैसे ये अगर चार यहां पे मेरे पास स्टेशंस हैं, ये चारों स्टेशंस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होंगे, मतलब हर एक स्टेशन आपस में अलग लिंक के साथ कनेक्ट होगा, तो इस केस में मीडियम एक्सेस कंट्रोल या मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का फंडा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहां पे ही फंडा बनेगा जहां पे लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब लिंक एक है, जैसे बस टोपोलॉजी लिंक एक है, लेकिन उसी लिंक को शेयर कर रहे हैं बाकी के सारे टू सेंड द डेटा, टू ट्रांसमिट द डेटा। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कि अगर मल्टीपल पर्सन एक ही टाइम पे, मल्टीपल बंदे अगर एक ही टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑन अ शेयरेबल लिंक, तो अगर वो एक ही टाइम पे करेंगे तो वहां पे कोलिजन के चांसेस हैं, और अगर कोलिजन होगा तो डेटा आपका सारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या कंट्रोल करना है, एक्चुअल में कोलिजन को कंट्रोल करना है, और हमें बताना है कि अब कौन ट्रांसमिट करेगा, अब किसकी टर्न है, अब किसकी टर्न है। तो ये बेसिकली कैसे करते हैं हम मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, या जिसको आप बोल सकते हो मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल से। तो यहां पे हमारे पास आते हैं तीन कैटेगरी कि कैसे हम इन प्रोटोकॉल्स को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का मतलब है कि जिसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। अगर मेरे पास लेट से इसकी बात करें तो अलग अलग स्टेशन हैं A, B, C, D, तो इन चारों की प्रायोरिटी क्या है, बराबर। और दूसरा, ये चारों कभी भी डेटा सेंड कर सकते हैं, कोई ऐसा टर्न नहीं है कि पहले ए की टर्न है या बी की टर्न है, नहीं, जिसके मन में आएगा जैसे ही डेटा मेरे पास रेडी हुआ मैं साथ के साथ लिंक के ऊपर ट्रांसमिट उस डेटा को कर दूंगा। और तीसरा यहां पे पॉइंट क्या है कि इनमें प्रायोरिटी भी नहीं है और कभी भी डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, और कितना भी डेटा हम ट्रांसमिट यहां पे कर सकते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसकी वजह से हम बोलते हैं इसको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रैंडम के अंदर हमारे पास जनरली आते हैं अलोहा, CSMA, CSMA CD और CSMA CA। और मैं आपको बता देता हूं कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का पोर्शन है, और उसमें अगर आप मीडियम एक्सेस कंट्रोल की बात करें, तो उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, दैट इज CSMA और CSMA CD। मतलब इसको मैं स्टार मार्क इसीलिए कर रहा हूं कि इन सारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो यही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलोहा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन क्या होते हैं, या तो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। न्यूमेरिकल में जैसे अगर हम बात करें अलोहा, तो अलोहा में भी आगे दो कैटेगरी है, देयर इज अ प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। और इसमें जनरली क्या बात करते हैं हम, वल्नरेबल टाइम, कि वल्नरेबल टाइम कितना होता है अलोहा के अंदर। दूसरा, थ्रूपुट कितनी होती है, मतलब प्योर अलोहा की थ्रूपुट कितनी है। इनके फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ताकि आप न्यूमेरिकल में उसको यूज कर सको। मैक्सिमम थ्रूपुट कितनी हो सकती है, ये सारे पॉइंट जो है वो अलोहा में। ऐसी अगर हम बात करें CSMA या CSMA CD में, तो वहां पे भी हमारे पास क्या है,
ये कोलिजन डिटेक्शन है, ये कोलिजन अवॉइडेंस। सीडी का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन, सी ए का मतलब है कोलिजन अवॉइडेंस। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसका एडवांस वर्जन ही है ये। तो इनमें भी वल्नरेबल टाइम और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकालनी है उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। और ट्रांसमिशन टाइम किसके बराबर होता है, प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप इजिली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ये पोर्शन के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी देना, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हमारे पास कंट्रोल एक्सेस में, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। कंट्रोल का मतलब क्या है, यहां पे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। पोलिंग मतलब पोल की तरह, जैसे अगर चार बंदे हैं, चारों बंदों ने अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम उससे पहले पोल लेंगे। पोलिंग का मतलब है कि पहले ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा या डी करेगा, तो उस पोलिंग में जो पहले जीता वो पहले क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा, बाकी उस टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल अथॉरिटी है वहां पे, कोई ना कोई स्टेशन है जो एज ए कंट्रोलर भी काम कर रहा है। टोकन पासिंग की बात करें तो टोकन पासिंग में भी हमारे पास क्या आता है, टोकन रिंग है। तो टोकन रिंग अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट है फॉर गेट पर्पस, स्पेशली गेट के अंदर जो है टोकन रिंग के क्वेश्चंस जो है स्पेशली, वो अभी नहीं आ रहे लेकिन ऑलरेडी पहले भी आए हुए हैं टोकन रिंग के ऊपर क्वेश्चन, स्पेशली जो है डिलेड टोकन और अर्ली टोकन रिलीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वहां पे आए हुए हैं। और स्पेशली यहां पे अगर हम बात करें तो टोकन पासिंग में भी वही है कि टोकन रिवॉल्व होता रहता है और जैसे ही जो बंदा ट्रांसमिट करना चाहता है वो टोकन को क्या करेगा, होल्ड करेगा और फिर डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो जब तक टोकन को होल्ड किया हुआ है कोई और ट्रांजेक्शन, कोई और ट्रांसमिट वहां पे नहीं कर सकता। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास कंट्रोल्ड अथॉरिटी है। तो पहली प्रायोरिटी ये रखना, सबसे पहले ये तैयार करना है, उसके बाद हमारे पास आता है टोकनिंग। इनमें भी वही थ्रूपुट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, चैनलाइजेशन में हमारे पास आते हैं कि जहां पे प्रॉपर चैनल हम यूज कर रहे हैं, जैसे एफडीएमए टीडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिवीजन। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी बैंड को हम डिवाइड करते हैं फिक्स चैनल्स में और एक एक करके हम चैनल को देते हैं स्टेशन को, ताकि वो यूज कर सके उस फ्रीक्वेंसी को और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते। और अगर हम बात करें टाइम डिवीजन, तो वहां पे हम टाइम डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास एक टाइम वैल्यू है तो हम उसमें डिवाइड कर देंगे कि भैया इस टाइम स्लॉट में ए करेगा, इस टाइम स्लॉट में बी करेगा, इस टाइम स्लॉट में सी करेगा, लाइक दैट। तो जिससे क्या होगा कि उस टाइम स्लॉट के अंदर अंदर ही वो बंदा ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे टाइम स्लॉट निकला फिर किसी और की टर्न है। तो इनमें भी वही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थ्रूपुट से रिलेटेड, एफिशिएंसी, इनमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट भी आ जाता है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन प्रोटोकॉल्स को। इस वीडियो से आपको बेनिफिट यही मिलेगा, एटलीस्ट आपको यह पता लग जाएगा कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है और जो भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर स्पेशली क्या करना है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।